तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो मैंने बनाई है कि आपके YouTube के चैनल के लिए कौन सा लोगो और कैसा लोगो बेस्ट रहेगा, और जो कि लोगो आप अपने फोन से बना सकते हैं वो आपके लिए आज बेस्ट आइडिया लेके आया हूँ। वीडियो एंड तक देखते रहिए, मिस मत कीजिए एक भी सेकेंड इसका। नहीं समझ में आए तो एक बार आगे पीछे घुमा फिरा के फिर से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ कंटेंट्स या मेरे बनाए हुए लोगो दिखाना पसंद करूंगा, कि जैसे कि कल मैंने मेरे एक दोस्त को भी बना के दिया था लोगो, काफ़ी अच्छा बना था, उसको पसंद भी आया। तो आपको दिखाना चाहूँगा लोगो का डिज़ाइन, डिज़ाइन लोगो का, और मैंने मेरे चैनल का भी लोगो कुछ इसी से बनाया हुआ है। ये देख लीजिए, ये एक उसका MM का बनाया था मैंने लोगो, एक ये बना के दिया था, एक ये, और ये खुद मेरे चैनल का लोगो जो कि मैंने खुद अपने ही फ़ोन से और आप अपने भी फ़ोन से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज इसकी प्रोसेस। तो प्रोसेस में मैं सबसे पहले आपको दो ऐप सजेस्ट करूंगा। ये है मेरा पूरा यूट्यूब का फोल्डर, तो आपको दो ऐप सजेस्ट करूंगा, एक है पिक्सार्ट और एक है पिक्सल लैब। दोनों आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले पिक्सार्ट में जाएंगे। तो पिक्सार्ट में जाने के बाद, पिक्सार्ट में जाने के बाद यहाँ पे प्लस के ऑप्शन में जाके एडिट करना चालू करेंगे। तो आपको एक यहाँ पे स्क्वायर शेप या कुछ भी शेप का एक वाइट बोर्ड आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। इसमें ये ऐसा वाइट बोर्ड लेके, तो थोड़ा मैं इसको क्रॉप कर देना चाहूँगा, छोटा करना पसंद करूँगा, तो इसको थोड़ा सा छोटा किया। यस, ये हो गया रेडी। अब इसमें आएगा एक टेक्स्ट का ऑप्शन। टेक्स्ट का ऑप्शन जैसे कि आप कोई भी वर्ड सजेस्ट कर सकते हैं। आप एक बार टेक्निकल गुरुजी का ही ले लीजिए, टेक्निकल का टी, सबसे पहले टी लेंगे। तो टी लिया, टी को थोड़ा ब्लैक कलर में करेंगे। हाँ, अभी यहाँ पे एक फॉन्ट का ऑप्शन आता है। फॉन्ट के ऑप्शन में जाके आपको मैं जो फॉन्ट सजेस्ट कर रहा हूँ आप वही यूज़ कीजिए, क्योंकि वो फॉन्ट बेस्ट रहेगा। ये है ऑक्ट्रिवॉन, ऑक्ट्रॉन ब्लैक, ये वाला फॉन्ट ही से लीजिए। ये आपके जो टेक्स्ट को है ये एकदम बराबर लोगों के शेप का ही मेरे को लगा, इसलिए मैंने आपको यही सजेस्ट किया है। तो टी लिया, टी को एक प्रॉपर साइज में सजेस्ट कीजिए। प्लस के ऑप्शन में जाके फिर से टेक्स्ट लीजिए, टी, टी के साथ क्या लिया जाए। चलिए टेक्निकल गुरुजी का एक बार लेके देखते। तो जी ले लिया, जी लिया, इसको भी फिर से ब्लैक में कर लीजिए, और वही ऑक्ट्रॉन ब्लैक में जाके वही सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, तो वही यूज़ कीजिएगा, वही आपके लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। और ये टी जी लिया, तो कुछ अलग तरह से इसको सेट करने का कोशिश वो आपको ही करना होगा। तो मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छे से सेट हो। तो मैं कुछ एक बार आपके एग्जाम्पल या आपके बेनिफिट के लिए एक बार सिंपली सेट करवा के दूंगा, तो ये ठीक लग रहा है। तो ये हमने एक बार सेट कर लिया है, तो ओके कर देंगे, राइट किया। अभी आपको एक और दूसरी चीज, ये ब्रशेज में जाइए, ब्रशेज में, सॉरी ब्रशेज में नहीं, ब्रशेज बॉर्डर मास्क ड्रॉ, ड्रॉ में, ड्रॉ में जाने के बाद फिर से ड्रॉ में जाइएगा। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा टी, वो ये है टेक्स्ट का, और ये जो ऑप्शन है ये, इसमें जाइए, इसमें जाके आप ये बॉक्स सिलेक्ट कीजिए और इसको फिल कर दीजिए। ओके, क्या बॉक्स का कलर यहाँ पे ब्लैक दिखा रहा है, तो बैकग्राउंड वाइट है, तो आप बैकग्राउंड वाइट ही सिलेक्ट कीजिए। तो कुछ इस तरह से ये हो गया सिलेक्ट। तो आप अब बना के देखते हैं। ये बॉक्स लिया हमने, बनाया, अब इसको कुछ अलग तरीके से सेट करेंगे कि ये इसमें लोगो वाली फील आए। तो ये मैंने इस तरह से सजेस्ट किया है। ये देखिए क्या बेहतरीन, क्या क्लासिक दिख रहा है, आप खुद देख सकते हैं इसको क्या बढ़िया दिख रहा है। और आप और भी चाहिए, चाहे तो और भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी है। एक ये वाला भी इसमें ऑप्शन है, इस ये सिलेक्ट करके आप ये भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको अगर एडजस्ट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, इसको फिर से लेंगे एक बार। तो चलिए ये लिया हमने, इसको आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, ये सिलेक्ट करके यहाँ पर। तो ये बन गया आपका लोगों का डिज़ाइन। ये लोगों का डिज़ाइन रेडी हो चुका है, अब इसको एक बार गैलरी में सेव कर देंगे। सेव, तो ये हो गया सेव, डन 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 डन। तो चलते हैं।
दूसरे ऐप के अंदर जिसमें हम इसकी करेंगे एडिटिंग, तो वो है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब में गए, पिक्सल लैब ये आपके बैकग्राउंड, आपके फोटो को और आपके लोगों को बहुत ही बढ़िया और लाजवाब बना देगा। तो इसमें सिलेक्ट करते, ये तो मैंने पिछला लोगो बनाया था उसकी फोटो है, इसको हटा के नया लोगो ट्राई करेंगे। तो काय पे बनाए, ये वाले ऑप्शन में जाते, ये वाले ऑप्शन में गए, फिर यहाँ पे ये ऑप्शन आता है इम्पोर्ट, इम्पोर्ट में जाइए। जैसे कि ये वाला अभी डिज़ाइन बना के रखा था, इसको सिलेक्ट कीजिए और राइट, ठीक है, इसको यहाँ पे लेके आ जाइए। फिर आप साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक इरेस कलर का ऑप्शन मिलेगा, इरेस कलर को इनेबल कीजिए, इनेबल, ये सेट हो गया लोगो आपका। आपको जिस तरह से जिस साइज में इसको सेट करना आप यहाँ पे रख सकते हैं लाके, बाकी ओके है। तो इस ये काम हो गया। अब बात करेंगे इसके आगे के स्टेप्स और आगे के डिज़ाइन की। तो इनर इनर शेडो को इनेबल किया, इनर शेडो भी ट्राई करेंगे। ये देखिए ये है इनर शेडो, इसका ब्लू रेडियस भी बढ़ा सकते हैं, ब्लर रेडियस, अदर एक्स, ये देखिए क्या बेहतरीन, वाह क्या दिख रहा है। मैं ब्लू ही कलर सजेस्ट करूँगा इस पर। तो ये ओके किया, बाद में अब इनर शेडो की बात करते हैं। इनर शेडो में डालेंगे, इनर शेडो तो सॉरी हो गया, इनर शेडो का काम, इनर शेडो हो गया। अब शेडो, सिर्फ शेडो अगर आपको अच्छी डालनी है तो इसको इनेबल कीजिए। अब ये ही अच्छा लग रहा है इसके ऊपर, ब्लू वाला, इसको सिलेक्ट कर लिया। अभी आगे में आता है 3D शेप, 3D शेप बहुत ही बढ़िया लगता है और ये अट्रैक्टिव काफ़ी ज़्यादा लगता है। ये देखिए TG, टेक्निकल गुरुजी, और या आपका भी कुछ ऐसा नाम होगा तो आपके लोगों को बहुत ही बेहतरीन बना देगा ये। आप देखिए कुछ इस तरह से भी इसको सजेस्ट और एडजस्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और बाकी सब ऑप्शन है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। ये लोगो कुछ 3D में आ गया है, और कलर मेन है, कलर लोगो का कलर क्या रखे, देखिए काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। आप जो इसके साथ कलर सूट होता है, देखिए ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, वाइट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, रेड भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको जो कलर पसंद हो वो आप सेट कर सकते हैं। मैं एक बार के लिए इसके साथ ये इसका ब्लू मैचिंग मैचिंग ही सिलेक्ट करूँगा। ये भी हो गया। अब बात करते हैं ये भी काफ़ी अच्छा है, इसको एक बार बैक ले लेंगे। इसके एडिटिंग वाले वेंट्री गेट में ये ओके सिलेक्ट किया। अब इसका जो ये बैकग्राउंड की बात है, इसको भी अच्छे से एडजस्ट करना पड़ेगा जो कि लोगो और इसके ऊपर दोनों के ऊपर सूट हो सके। तो दोनों के ऊपर सूट होने वाला ये मैंने सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो सूट होगा वो रख दूंगा मैं, ब्लैक ने तो ये सिलेक्ट करता हूँ ओके। बाद में नॉइज सिलेक्ट किया, ये जो आपको रखना है वो आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपकी इच्छा वो रखिए। बाद में स्ट्रिप्स ला सकते हैं, क्योंकि डार्क लाइट जिस तरह से आपको रखनी है, बड़ी छोटी जैसी आपको रखनी है, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट इस तरह से, कॉन्ट्रास्ट व्यू हो गया ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, सैचुरेशन ये भी थोड़ी बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, आपके ऊपर है। और ये हो गया रेडी आपका लोगो। तो इस टाइम है अब इसको सेव करने का, सेव एज प्रोजेक्ट नॉट सेव एज इमेज, सेव टू गैलरी। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम ये दोनों ऐप का यूज करके लोगो बना सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।